हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपको एक बहुत ही सरल गिफ्ट पाउच बताने जा रही हूँ। आप इसको बटुआ या पोटली भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही इजी है ये। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सामान लिया है। सबसे पहले तो आप देखिए, ये 8x24 इंच का वन पीस है। इसमें मैंने पैच लगा करके और इसके किनारे हल्की सी एम्ब्रॉयडरी कर दी है। और आज इसका कलर कॉम्बिनेशन 3 कलर में है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक मिट्टी जैसा कलर है, उस पर गोल्डन वर्क है, और किनारे मैंने इसमें वाइट से फैशन मेकर जो मशीन है उससे एम्ब्रॉयडरी कर दी है, और बाकी में सिंपल क्विल्ट कर दिया है, चेक काट दिया है। तो ये 24 है, ये 8 इंच है। इसके बाद हमने यहाँ पर 8 इंच की दो पाइपिंग ली हैं और 40 इंच की एक वन पीस में डोरी ली है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पाइपिंग है, ये जो 8 इंच का एरिया है, दोनों सिरों पर लगा देंगे। पाइपिंग लगाने के बाद इसको इधर से 1/2 इंच लगभग इस तरह से मोड़ेंगे, जिधर पाइपिंग लगाई थी। इस तरह से मोड़ने के बाद इसको यहाँ पर 1/2 इंच इधर मोड़ देंगे। 1/2 इंच उस हिसाब से मोड़ना है, या 1 इंच जितनी मोटी आपकी डोरी इसमें से पास हो जाए। फिर से देखिए, इसको हमने यहाँ पर ऐसे मोड़ा और इसको यहाँ पर ऐसे मोड़ा। सेम प्रोसीजर जब इधर आएंगे तो इधर भी करेंगे। यहाँ डबल मशीन चलाते हुए पहले इसको यहाँ से लाएंगे, सेम प्रोसीजर इधर भी करेंगे। अब इन दोनों सिरों को उल्टा करके इस तरह से मिलाएंगे, और जहाँ तक ये हिस्सा गया है, मुड़ा है हमने यहाँ पे, मशीन यहाँ से डबल करते हुए नीचे तक सिल देंगे। अब इसको सिलने के बाद ये जो नीचे का हिस्सा है, बॉटम का हिस्सा, इसको 1.5 इंच 2 इंच जितना आपको बॉटम चाहिए उतना मोड़ करके यहाँ पर इस तरह से मशीन चला देंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये हमारा बॉटम आ गया। जब इसमें कोई गिफ्ट रखा जाएगा तो ये हमारा इसके अंदर ये बॉटम बाहर आ जाएगा इस तरह से। अब इसमें हम डोरी डालेंगे। तो अब ये जो 40 इंच की डोरी है, अब इसको एक साथ कैसे डालना है ये देखिए। ये 2 पीस में नहीं है। अगर आपको कठिन लगता है तो आप 2 पीस में डालिए जैसे डोरी डाली जाती है, नहीं तो मैं एक सरल तरीका बता रही हूँ। पूरी एक साथ डोरी लीजिए, उसको डबल कीजिए। ये पूरी 40 है, सेंटर निकाल के सेफ्टी पिन डाल दिया है, एक तरफ से डालेंगे इसमें हम। और दूसरी तरफ इसको इस तरह से निकाल लीजिए। ये हमने डोरी निकाली। एक साथ डालने का सबसे आसान तरीका है, इसको यहाँ कट कर दिया जहाँ से डाला था। अब पीछे से जहाँ से जोड़ है, एक डोरी पकड़ के खींचेंगे, तो ये हमारी एक साथ आ रही है। अब इसको हम पकड़ के यहाँ पर नॉट लगा देंगे, सिंपल नॉट लगा देंगे। आप मोती डालना चाहें आप मोती डाल सकते हैं, टसल लगा सकते हैं। ये हो गया, और
इसको यहाँ बांध देंगे। ये डाल दिया हमने, ये हमारी एक डोरी गांठ के साथ यहाँ आ गई। ये देखिए, ये इस तरह से खिंचाव आ गया इसमें और ये हमारा गिफ्ट पाउच तैयार हो गया। काफ़ी अच्छी गहरी इसमें स्पेस मिली हमें और ये देखिए, ये इस तरह से खड़ा भी हो गया है ना। तो ये इस तरह से फटाफट बॉटम के साथ वन पीस में गिफ्ट पाउच तैयार कीजिए, गिफ्ट दीजिए, कुछ भी रखिए, अपना सामान भी रख सकते हैं आप, अपने मैचिंग के हिसाब से इसको पोटली बटुआ भी बना सकते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया लेकर आएगी। नमस्कार।